तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है साल का आखिरी दिन और कल से एक नया साल फिर से शुरू हो रहा है, तो आज थोड़ी सी तो पार्टी बनती है। मान्या अपने लिए लेके आ गई, क्या है? नूडल्स, मंचूरियन और नूडल्स। वाह, लो नूडल्स किया गया था, आ गया फ्राइड राइस और मंचूरियन। चलो ये भी तुम खा लेती हो क्या? अच्छा लग रहा है। हमने जीवन में कौन नहीं खाई है गाइस, ये लोग मुझे चॉकलेट नहीं दे रहे गाइस, चॉकलेट खाइए सब। तो भाई हमारे यहाँ तो न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो गई है और पार्टी काफी धमाकेदार। गुड मॉर्निंग एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। सभी लोग तरक्की करें, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। तो आज ये हमारे यहाँ पे जो सुबह के मेनू है वो है कचौड़ी और खीर। तो खीर हमारी बन गई है जो कि है यहाँ पे, ये खीर बन चुकी है और अब बनने जा रही कचौड़ी और चटनी। तो जल्दी से कर रही क्योंकि पापा और किशन दोनों लोग को जाना है, तो फटाफट करते हैं हम अपना काम, फिर उसके बाद मिलते हैं। और मान्या अभी सो रही, मिंटी तो उठ गई है। मान्या भी उठ गई, वो पहले उठी है अपना। ओ आज तो मतलब मान्या जल्दी उठी है। चलो सुबह हो गई। लाल एंटर टॉफी, थैंक यू। तो गाइस आज हैप्पी न्यू ईयर और हमारे दक्ष भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर मना पा रहे हैं। कैसा मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर? तो आपसे दक्ष रिजल्ट क्या होता है, जो भी होता है प्रण लेता है कि इस साल वो रोएगा नहीं, है ना? रोगे थोड़ा थोड़ा, रो लेना थोड़ा सा, इतना सा, बिल्कुल नहीं रोगे एकदम ठीक है। तो सब लोग तो खा चुके हैं, नाश्ता सबने कर लिया और अब हम और मम्मी खा रहे हैं। मम्मी यहाँ पे खा रही है और हम, ये मेरा रहा, अब हम करते हैं अपना नाश्ता, न्यू ईयर का नाश्ता, न्यू ईयर का नाश्ता। सच में मिंटी भी उठ चुकी है। मिंटी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विद खीर एंड कचौड़ी, विद खीर कचौड़ी चटनी एंड चाय। और सबका क्या क्या है 2024 का रेजोल्यूशन? तुम बता दो कैसे स्टार्ट करेंगे? मेरा वही पतले होना है, सुबह जल्दी उठना है, जो कि दोनों में से एक हो जाए तो क्या ही। मान्या तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या है? वैसे मान्या ने ये बोला था कल रेजोल्यूशन का, क्यों मैं गंदी बातें नहीं करूंगी, मैं सबकी बातें मानती। तो मान्या भी हर साल एक बार रेजोल्यूशन लेती। अब चैनल की ओनर बताइए उनका रेजोल्यूशन क्या है। मेरा है कि मैं ब्लॉग अपने बहुत कम डालती हूँ इस टाइम पे, कुछ टाइम से मेरा रहेगा कि मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू डालूंगी। ओह माय गॉड, न्यू ईयर पे दे रहा, देखो देख मेरा बच्चा देख रहा, मम्मी नहीं है उसने सबको खिलाया। सीखो यार, पता कोई आता मेरा छोटा मुन्ना मम्मी। आज न्यू ईयर पे हम लोग को कहीं बाहर जाने का प्लान था, तो ये सोचा गया कहाँ जाया जाए, मॉल जाए या फिर हजरतगंज। फिर ये डिसाइड हुआ कि आज हम लोग चल रहे हैं मंदिर, जो कि गोमती नगर की साइड पड़ता है, हनुमान सेतु और हनुमान धाम दोनों है। तो कहीं दोनों ही जगह अगर भीड़ नहीं होती तो हो लेंगे, वैसे हनुमान धाम जाने का हम लोग का है प्रोग्राम। तो सब लोग हो रहे हैं तैयार, भाभी भी ऊपर नीचे, हम सब लोग जाएंगे। तो मान्या को मैंने तैयार कर दिया है और ये खुद से भी थोड़ा तैयार हो रही है, मेरा ओवरकोट पहन के। इनको आज मेरा ओवरकोट पहनना है, दिखाओ जरा। हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, पहन सकती हो। मिंटी देखो इनको आ रहा है मेरा सुंदर लग रहा है। तो हम लोग कुछ लोग तैयार हो चुके हैं और भाभी भैया जा रहे हैं स्कूटी से, तो वो भी जा रहे हैं क्योंकि आज ओला चल नहीं रहा ना, इसलिए। तो हनु नहीं आया, हनु का इंतजार हो रहा है अभी। मैं कौन सी गाड़ी लेनी है दक्ष? मस्टर्डीज। कौन सी? मस्टर्डीज। ट्रैफिक जाम, पता नहीं आज मंदिर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे।
तो हम लोग आ चुके हैं और ये इधर से उतरो, अंधेरा बहुत। अब हम जा रहे हैं शॉर्टकट से रास्ता लेके और ऐसे मंदिर। ये मंदिर बहुत बड़ा है। भाभी आप पहली बार आई हो? भाभी भी पहली बार। यार बहुत ही सुंदर मंदिर है भाई, बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस हम लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना भोपाल आ गए हम लोग। सच में बहुत सुंदर है, एकदम प्यारा। ऐसा तुमको कैसे लग सकता, तुम तो कभी भोपाल गए नहीं। मैंने देखा, मेरा दोस्त गया है ना, मैं नहीं गया। उसकी आंखों से देखा है उसने। भाई मंदिर बहुत अच्छा था, हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे हो गए और अब जा रहे हैं घर वापस। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मिंटी धन्यवाद, धन्यवाद मिंटी। और हम लोग आ चुके हैं अब बिल्कुल बाहर की तरफ। इतना सुंदर मंदिर है, मतलब नाम सुना था लेकिन कभी गए नहीं थे, लेकिन आज गए। मन बिल्कुल, न्यू ईयर बहुत ही अच्छा, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग उस साइड थे मंदिर, वो मंदिर वहाँ है। ये रही लखनऊ विश्वविद्यालय। तो अब हम लोग चल रहे हैं हनुमान सेतु, दूसरे हनुमान मंदिर। और दीदी यहाँ फिर कल आएंगी, क्योंकि दीदी भी हर मंगल को मैं आती हूँ यहाँ पे, इसलिए कल फिर आऊंगी। बहुत अच्छा लगा था दर्शन करके। भैया सर्दियों के टाइम में हमेशा अपनी गाड़ी में कंबल रखते हैं और जब भी कोई जरूरतमंद होता है तो वो उन्हें दे देते हैं। ए दक्षु क्या खाओगे? मजे आए? कितना मजा आया? बहुत। बोटिंग बस करने को मेला भी तो जाना था। तो हम लोग घर पे आ गए हैं और आज का दिन बहुत अच्छा रहा है मेरा, सबका, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि मंदिर में जाके इतने अच्छे दर्शन हुए, भजन कीर्तन बहुत मजा आया। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि साल का जो पहला दिन इतना अच्छा था तो साल के सारे दिन बहुत अच्छे बीतेंगे। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।